Hello everyone, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad, and it is my email ID. The lecture will be in bilingual mode, that is beneficial for both Hindi as well as English medium students, learners, and do subscribe my channel to get updated with the content in the field of education. And today I am going to discuss a very relevant topic, NEP 2020, means National Education Policy 2020, in special reference to higher education. And this lecture will be useful for UGC NET, CTET, UPTET and various other teaching examinations. Okay, so let's start. First of all, NEP 2020 higher education ke parivreksh mein, Rashtriya Shiksha Niti 2020 Bharatiya Uchcha Shiksha ke kshetra mein. तो NEP 2020 पे बहुत बात हो रही है जब से ये आई है, लेकिन अभी भी इसके कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमको कम समझ में आते हैं या हमको इसको अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए अपने आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए या अपडेटेड रहने के लिए या इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर आप टीचिंग फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं तो. तो इसका एक पॉइंट, इसके बहुत सारे पॉइंट हैं, सारे टॉपिक्स एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते, इसलिए मैंने कुछ ही टॉपिक्स लिए हैं. और ये जो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट है, ये पॉइंट जब से मैंने सुना था एनईपी 2020 के बारे में, तब से मुझे बहुत मतलब रोमांचित कर रहा था कि मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट क्या कंसेप्ट है ये. पहले इसके कभी ऐसी बात नहीं की गई है. क्या है ये मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का क्या मतलब है? बहुगुणित समय, मल्टीपल का क्या मतलब है? बहुत बार, बहुगुणित, कई बार हो सकता है. एंट्री हो सकती है यानी कि प्रवेश हो सकता है आपको, और आप निकल सकते हैं. किस में से? सिस्टम में से. किस सिस्टम से? हायर एजुकेशन सिस्टम से. ये स्कूल एजुकेशन के लिए नहीं बात की गई है, ये स्पेशली फॉर हायर एजुकेशन है कि आप मतलब स्टूडेंट लर्नर उसमें कई बार एंट्री कर सकता है अपनी सुविधा के हिसाब से, और कई बार निकल भी सकता है, और उसमें उसका कोई लॉस नहीं होगा. ये पॉइंट नया है इसमें. तो जानते हैं क्या है ये. द मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स इन द एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट हायर एजुकेशन institutions would remove rigid boundaries and create new possibilities for students to choose and learn the subjects of their choice. है ना, यानी कि ये जो पॉइंट है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट का, ये जब एकेडमिक प्रोग्राम में ऑफर किया जाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, तो ये क्या करेगा, ये जो रिजिड बाउंड्रीज हैं कि नहीं आपको एग्जामिनेशन दिए बिना आप मतलब इतना सेमेस्टर पूरा ही करना है, इतने साल पूरे ही करने, और अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो फिर आपको मतलब आपके हाथ में कुछ नहीं रहता और आपकी वो डिग्री आपको नहीं मिलती है ना. तो ये कह रहे हैं कि रिजिड बाउंड्रीज को हम हटा देंगे एंड क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटीज, और कुछ नई संभावनाएं तलाशेंगे. किसके लिए? विद्यार्थी के लिए, जिससे कि वो चूज कर सके, चुन सके और सीख सके अपने विषय का सब्जेक्ट. कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम थोड़ा पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि नहीं, इसमें हमारी रुचि नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन इन जनरल ट्रेडिशनल वे में क्या होता है कि नहीं, अब तो चूंकि हमने ले लिया है उसमें एडमिशन, तो हम बाध्य हैं उसी से पूरा करने के लिए अपना कोर्स, सेमेस्टर, वट एवर इट इज. तो इसमें ऐसा नहीं है. तो क्या सुविधा देगा ये, कब छोड़ा जा सकता है, कब उसमें प्रविष्टि ली जा सकती है? इट विल pave the way for seamless student mobility. मतलब ये किसके लिए रास्ता क्लियर कर रहा है? ये रास्ता इसलिए क्लियर कर रहा है कि स्टूडेंट जो है वो मोबाइल हो सके, एक जगह कहीं फिक्स होके ना रहे, मोबिलिटी उसकी हो सके बिटवीन और विद इन डिग्री ग्रांटिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. वो उच्च शिक्षण संस्थान जो कि डिग्री देते हैं उनमें, मतलब कि एक फैकल्टी से दूसरी फैकल्टी, एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में, या कई HEIs के बीच में वो अपनी मोबिलिटी कर सकता है थ्रू अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ क्रेडिट रिकॉग्निशन. यानी कि उसके क्रेडिट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको क्रेडिट दिया जाएगा जितना भी पोर्शन उसने कंप्लीट किया है उसके लिए. फॉर्मल सिस्टम है ये, कोई इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात नहीं की जा रही है. क्रेडिट रिकॉग्नाइज भी होगा, एक्यूमुलेट कर सकता है वो अपना क्रेडिट, ट्रांसफर कर सकता है, और रिडेम्पशन भी कर सकता है, मतलब छोड़ भी सकता है. ठीक, तो ये इतनी तरीके की फ्रीडम हमको मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट में एनईबी 2020 देने की बात कर रहा है. ओके, देन फ्लेक्सिबल लर्निंग इज इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि सारा जो की वर्ड है वो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी. हमको रिजिडिटी को छोड़ना है. तो फ्लेक्सिबल लर्निंग क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू चूज वंस एकेडमिक पाथवे. मतलब हम मतलब स्टूडेंट अपना शिक्षण का, पढ़ने का, लिखने का रास्ता खुद चयनित कर सके. लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड डिग्री. कि वो सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहता है, कि डिप्लोमा करना चाहता है, कि डिग्री करना चाहता है. देयर आर ओकेजंस, ऐसे अवसर आते हैं व्हेन लर्नर्स, जब जो विद्यार्थी होते हैं हैव टू गिव अप देयर एजुकेशन. उनको अपनी एजुकेशन छोड़ देनी पड़ती है बीच में, कोई भी कारण हो सकता है उसका, मिड वे फॉर वेरियस रीजन, कोई भी कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं. तो
The records of the clearance of credits for such incomplete academic programs remain unaccounted. मतलब अभी तक क्या होता था कि अगर उसने बीच में कोई साल की पढ़ाई करके छोड़ दिया है, मान लीजिए उसने आजकल के जमाने की, पुराने जमाने की बात करें तो हाफ ईयरली तक की पढ़ाई की है और एनुअल नहीं दिया है, या 4 सेमेस्टर में से 2 सेमेस्टर पास किए, 2 नहीं किए, उसको बीच में छोड़ना पड़ गया, तो हम उसको 2 सेमेस्टर की डिग्री थोड़ी देते हैं, नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते, उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है. लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो इनकम्प्लीट एकेडमिक प्रोग्राम है, जो कि अनअकाउंटेड है, जिसकी हम कोई गिनती नहीं करते, उसको क्रेडिट देना है, ये बात इसमें खास है. तो क्या होगा, सच रिजिड बाउंड्रीज नीड टू बी रिमूव्ड टू इंश्योर 0 ईयर लॉस टू स्टूडेंट्स. अगर हम इस तरीके की रिजिड बाउंड्रीज हटा देंगे तो विद्यार्थी को हम 0 ईयर लॉस प्रोवाइड कर सकेंगे, मतलब उसका कोई भी साल का कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं जाएगा, हानि नहीं होगी. इस तरीके से होगा ये, इट विल रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट्स. ये क्या होगा, जो ड्रॉप आउट रेट होता है, मतलब कि इतने बच्चे एडमिशन लेते हैं, एनरोलमेंट लेते हैं, बहुत कम पास आउट होते हैं ना, तो जो ड्रॉप आउट है, जो छोड़ देते हैं बीच में, उसको हम कम कर पाएंगे. तो उससे क्या होगा, दस इंप्रूविंग GER, इससे हम सुधार पाएंगे अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है कि कितने बच्चे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हैं, भारतवर्ष की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है युवा वर्ग की जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेके हायर एजुकेशन परस्यू करती है, विच इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द NEP 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ये एक मुख्य उद्देश्य है कि हम GER को बढ़ाएं, इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाएं. किसमें, हायर एजुकेशन में. अभी कितनी चल रही है, 2018 में 26.3% निकल कर आई है, ये बहुत कम है जो विकसित देश हैं उनके मुकाबले. मतलब 26.3 का क्या मतलब, 1/4 हिस्सा है जो वही सिर्फ हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट लेता है, बाकी 3/4 नहीं लेता है एडमिशन. तो लक्ष्य क्या क्या माना गया है कि हम इसको 50% तक ले जाएंगे 2035 तक. देखिए बहुत बड़ा ये टारगेट है, बहुत बड़ा गोल है, और वर्ष हमने कितने लिया, 18 से 35 के बीच में कितना हुआ, सिर्फ 17 साल, है ना, तो बड़ा टारगेट है. इसलिए कहा गया कि हम ड्रॉप आउट रेट को कम, अगर एनरोलमेंट हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो ड्रॉपआउट रेट को कम करें तो अपने आप एनरोलमेंट बढ़ जाएगा. उसी के लिए ये सोचा गया कि जो जहां जितनी पढ़ाई करके छोड़ेगा उसको हम उतने का क्रेडिट देंगे. किस रूप में देंगे ये भी तय किया दिया गया, आपको आगे पता चलेगा. NEP 2020 states, ये क्या स्टेट करता है, दैट इमेजिनेटिव, यानी कि हम जिसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, एंड फ्लेक्सिबल, और एकदम फ्लेक्सिबल हो, किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे का जब मन करे वो मूव कर सके, मतलब ये नहीं कि 2-4 दिन पढ़ के एक उसका भी पर्टिकुलर टेन्योर निर्धारित है. एंड फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर्स विल इनेबल क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ डिसिप्लिन. मतलब हम तो ऐसा अभी सोच भी नहीं सकते थे कि MA करते वक्त, अगर मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन आर्ट्स के किसी विषय में कर रहे हैं तो आप साइंस का कोई विषय पढ़ सकते हैं, ऐसा हम अभी सोच सकते थे, नहीं सोच सकते थे. लेकिन उन्होंने तो कह दिया है कि इतने क्रेडिट आपको अर्न करने हैं PG डिग्री करने के लिए, और कोर सब्जेक्ट की अगर आपने पढ़ाई कर ली है तो बाकी के क्रेडिट आप किसी भी विषय को पढ़कर अर्न कर सकते हैं. तो मतलब कितना इमेजिनेटिव, अनइमेजिनेटिव बल्कि इसको कहना चाहिए था, अकल्पनीय, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है. इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ डिसिप्लिन्स, हिंदी के संग नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिलोसफी के संग बायोमोलिकुलर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी है ना, फॉर स्टडी एंड वुड ऑफर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स एंड दस रिमूविंग दी करेंटली रिजिड बाउंड्रीज. यानी कि मेन मेन लक्ष्य हमारा क्या है कि हमको रिजिड बाउंड्रीज को हटाना है. और ये क्या परिदृश्य देखता है 2020 की, एडजस्टमेंट्स इन द स्ट्रक्चर एंड लेंथ ऑफ डिग्री प्रोग्राम. हम बिल्कुल इस तरीके का डिग्री प्रोग्राम नहीं चलाएंगे जैसे अभी चलता है कि 3 वर्ष का डिग्री प्रोग्राम है, आपको 3 साल पढ़ने हैं, 3 साल पास करना है, और अगर आप 2 साल पढ़ के भी, मतलब सोचिए BA 3 साल, BA BSc BCom व्हाटएवर इट इज, 3 साल का प्रोग्राम है, अगर आप 2 साल भी पढ़ते हैं तब भी आपको कुछ नहीं रहता आपके हाथ में, अगर आप 3 साल की डिग्री, आप 3 साल का एग्जामिनेशन नहीं पास करते हैं, है ना. तो ये क्या कह रहा है कि हम स्ट्रक्चर लेंथ में जो डिग्री प्रोग्राम है एडजस्टमेंट करेंगे. और देखिए सबसे खूबसूरत टॉपिक इसका एंड एन ABC, ये कभी इसके पहले किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी भी कमेटी कमीशन में ये बात नहीं की गई. ABC की, ABC क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, बहुत बार आपने सुन लिया होगा, लेकिन हमको जानना चाहिए, जानना पड़ेगा, जानना ही है अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो, कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स क्या चीज है भाई. टू इंश्योर सीमलेस स्टूडेंट मोबिलिटी बिटवीन एंड विद इन डिग्री ग्रांटिंग एचआईएस, है ना, कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बीच में या कई डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बीच में स्टूडेंट मोबाइल हो सके, मोबिलिटी शो कर सके, उसके लिए उसके पास हाथ में कुछ होना चाहिए ना कि वहां से आप क्या लेके आए. तो वहां से हम ABC लेके जाएंगे, अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी कि हमने इतना हमारे शिक्षण के बैंक में इतना क्रेडिट हम अर्न कर चुके, इतना हमारा रह गया है.
ओके इट ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस लीडिंग टू अ डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट शैल बी डिस्क्राइब बाय द नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. देखिए नया टर्म मिल गया, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHEQF इन टर्म्स ऑफ सच लर्निंग आउटकम्स. यानी कि हायर एजुकेशन ये जो आपका NHEQF है ये तय करेगा कि हमको डिग्री सॉरी मिलेगी या डिप्लोमा मिलेगा या सर्टिफिकेट के हिसाब से क्रेडिट मिलेगा. इस सब की भी कैटेगराइजेशन है किसको कितना क्रेडिट देना है, तो बहुत लेंदी है इसलिए अभी शुरुआत के लिए सिर्फ इतना जानना बहुत है आपके लिए. फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का हम कंसेप्ट लेके आए, उसके पीछे क्या उद्देश्य थे. उद्देश्य ये है कि सबसे पहली बात जो बार बार कही जा चुकी है कि रिमूव रिजिड बाउंड्रीज एंड फैसिलिटेट न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर लर्नर्स. यानी कि हमको जो रिजिड बाउंड्री है कि बस ऐसे ही होना है इसको हटाना है और जो विद्यार्थी है उसके लिए नई संभावनाओं को सुगम बनाना है. देन कर्टेल दी ड्रॉप आउट रेट एंड इम्प्रूव GER. हमको ड्रॉप आउट रेट को कम करना है, GER को बढ़ाना है. GER क्या हो गया, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो. देन ऑफर क्रिएटिव combinations of disciplines of study, यानी कि विषयों का हमको ऐसा combination बनाना है जो बिल्कुल creative और हम बच्चे को offer कर सकें कि आप अपने हिसाब से चुनिए. That would enable multiple entry and exit points. ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, हम फ्लेक्सिबिलिटी करिकुलम में भी प्रोवाइड करेंगे. नोवेल कोर्स ऑप्शंस, ऐसे ऑप्शंस देंगे जो कभी उसके पहले उनके सामने नहीं थे. टू स्टूडेंट्स इन एडिशन टू डिसिप्लिन स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशंस. यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशंस तो हम देते ही आ रहे हैं, क्या विषय विशेषज्ञ बनाना है ना, वो तो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है. बट अब हम उनको क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस ऑफर करना चाहते हैं और ऑफर डिफरेंट डिजाइन ऑफ द मास्टर्स प्रोग्राम. मास्टर्स प्रोग्राम भी हम डिफरेंट तरीके का डिजाइन करें, जरूरी नहीं कि सब बच्चे 2 साल का ही मास्टर का प्रोग्राम पढ़ेंगे, नहीं. देन इनेबल क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर, यानी कि बच्चा जो है स्टूडेंट जो है वो क्रेडिट को एक्यूमुलेट कर पाए, जोड़ भी पाए और ट्रांसफर भी हो सके उसका क्रेडिट. अलॉन्ग विद प्रोविजन ऑफ इवेलुएशन एंड वैलिडेशन ऑफ नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग फॉर द अवार्ड ऑफ ए डिग्री एंड इनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग. यानी कि हमारा दूसरा इसका कंसेप्ट क्या निकल गया है कि बाउंड्री को तो हटाना ही हटाना है, रिजिड लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी कि आप हमेशा जीवन पर्यंत सीखें इसके लिए हमको प्रोत्साहित करना है आपको, तो हम आपके क्रेडिट को ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट एक्यूमुलेट करेंगे, इवन नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल लर्निंग का भी इवेल्युएशन और वैलिडेशन करेंगे, है ना. तो बहुत नॉवेल कंसेप्ट है, आई डोंट नो एंड आई मतलब बहुत कितनी हद तक हम इसको लागू कर पाते हैं. देन फैसिलिटेट इन कैशिंग क्रेडिट्स अर्न व्हेन द लर्नर रिज्यूम्स हिज और हर प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी. हम मान लीजिए चलने पढ़ने चले थे कोई कोर्स और हमने बीच में उसको छोड़ दिया, तो उसका जितना हमको क्रेडिट मिला है वो हम इन कैश कर सकते हैं जब हम रिज्यूम करेंगे अपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी, है ना. तो ये बहुत बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को अब अलग से जान लेते हैं. ABC क्या है, ABC इज एन एकेडमिक सर्विस मैकेनिज्म. यानी कि कैसी सर्विस मैकेनिज्म है, सेवा प्रणाली है शिक्षण के क्षेत्र की, शैक्षिक सेवा प्रणाली एज अ डिजिटल वर्चुअल ऑनलाइन एंटिटी एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन. कौन इसको बना रहा है, कौन इसके मेंटेन करेगा, MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या UGC टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स टू बिकम इट्स एकेडमिक अकाउंट होल्डर्स. यानी कि विद्यार्थी जो है उनका अपना धन का तो बैंक हो ही हो, उनके क्रेडिट का एकेडमिक बैंक भी उनके पास हो, उसके वो अकाउंट होल्डर रहे. देन द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स अ नेशनल लेवल फैसिलिटी, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की ये सुविधा होगी. विल प्रमोट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम फ्रेमवर्क एंड इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी. देखिए मल्टीडिसिप्लिनरी की बहुत बात की गई है NEP 2020 में. एकेडमिक मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस द HEIs इन द कंट्री विद अप्रोप्रिएट क्रेडिट ट्रांसफर मैकेनिज्म. यानी क्या कह रहे हैं कि नेशनल लेवल की फैसिलिटी है, हम आपको फ्लेक्सिबिलिटी करिकुलम में प्रोवाइड करेंगे, आप इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ें, मल्टी डिसिप्लिनरी विविध विषयों में पढ़ें, एक ही विषय में कई विषयों के बीच में आप आवागमन हो सके आपका. हाँ, इस तरीके की एकेडमिक मोबिलिटी स्टूडेंट को मिले अक्रॉस दी HEIs यानी कि देश की किसी भी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान में विद अप्रोप्रिएट क्रेडिट ट्रांसफर. यानी कि हमारा क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा तभी तो हम रिज्यूम कर पाएंगे अपनी स्टडी या चेंज कर पाएंगे अपना विषय. देन इट नहीं तो क्या होगा, पीछा वाला हमारा अनअकाउंटेड हो जाएगा ना, वही तो नहीं करना है, जितना भी पढ़ेंगे उसका क्रेडिट मिलना है. इट वुड फैसिलिटेट क्रेडिट एक्यूमुलेशन यानी कि हम अपने क्रेडिट को जोड़ सकते हैं थ्रू दी फैसिलिटी क्रिएटेड बाई दी ABC स्कीम इन दी एकेडमिक बैंक अकाउंट, है ना. हमारा एक एकेडमिक बैंक अकाउंट खोल दिया जाएगा बैंक अकाउंट के अलावा, जो कि क्या करेगा, ओपन फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए खोला जाएगा अक्रॉस दी कंट्री, पूरे देश भर में, टू ट्रांसफर एंड कॉन्सोलिडेट, जिससे कि हम ट्रांस
ट्रांसफर कर सके ना, कि जैसे नहीं हम पैसे ट्रांसफर करते हैं उसी तरह से हमारा क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा कि ठीक है आप 4 क्रेडिट वहां से अर्न करके आए, 4-8 यहाँ से अर्न कर लीजिए जितने भी क्रेडिट का आपका कोर्स हो। द कंट्री टू ट्रांसफर एंड कॉन्सोलिडेट, हम जोड़ भी सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं अपने क्रेडिट्स को अर्न बाई देम बाई अंडर गोइंग कोर्सेज इन एनी ऑफ द इलिजिबल एच ई आईज। देन इसमें और आगे क्या, एबीसी अलाउज फॉर जोड़ना तो ये लाजमी है ना, क्रेडिट रिडेम्पशन भी हो सकता है, हम क्रेडिट छोड़ भी सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ कम्यूटिंग द एक्रूड क्रेडिट्स। मतलब कि हमने जितना अर्न किया था क्रेडिट उसको हमने छोड़ दिया है इन द एकेडमिक बैंक अकाउंट मेंटेन्ड इन द एबीसी फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलिंग द क्रेडिट्स रिक्वायरमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री बाय द ऑथराइज्ड एचईआईज। यानी कि हमको सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री क्रेडिट चाहिए कि डिप्लोमा का चाहिए कि डिग्री की चाहिए, उसके हिसाब से हम क्रेडिट अर्न जो किया उसको रिडेम्प्ट भी कर सकते हैं, ये खास बात है। देन अपॉन कलेक्टिंग ए सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री ऑल द क्रेडिट्स अर्नड टिल देन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री शैल स्टैंड डेबिटेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द अकाउंट कंसर्न। तो उसी हिसाब से जो भी चीज सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, जिसके भी क्रेडिट आपको चाहिए, जब आपको वो सर्टिफिकेट डिप्लोमा या डिग्री मिलने लगेगा तो हम जो क्या करेंगे, कुछ हमारा डेबिट भी हो सकता है, यानी कि डेबिट भी होगा, अर्न भी होगा, क्रेडिट भी होगा, यानी कि एनीथिंग ये अपना गुण हमको शो कर रहा है जैसे कि पैसा धन करता है, इसीलिए इसको बैंक का नाम दिया गया है, डेबिट क्रेडिट अर्नड है ना, ये सारी चीजें हमको कॉमर्स से ही मिले हैं ये सारे टर्म्स एंड डिलीटेड फ्रॉम द अकाउंट कंसर्न। देन एच ई आई इज ऑफरिंग प्रोग्राम्स विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम नीड टू रजिस्टर इन दी एबीसी। यानी कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं जो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट को अपने यहाँ लागू करना चाहते हैं, और करना पड़ेगा ही सबको जब से एनी भी, अभी तो कोरोना की वजह से थोड़ा सा डीले हो गया, वरना 2020 में आई है, 2022 आ गया, अभी तक नहीं शुरू पाई बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक। तो जब भी आ जाएगा यूजीसी की तरफ से दिशा निर्देश की हर इंस्टीट्यूशन को, हर यूनिवर्सिटी को इसको फॉलो करना है, तो हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा कि हर विद्यार्थी का एक हमको एबीसी बनाना पड़ेगा, Academic Bank of Credit, to enable acceptance of multidisciplinary courses, credit transfer and credit acceptance, जिससे क्या हो सके कि वो जिस भी विषय में चाहे उसमें admission ले सके, अपने credit को transfer कर सके, अपने credit को redeemed कर सके, earn कर सके, anything। देन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, कहा जा रहा है ना कि कई तरीके का ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर करता है, तो कितने तरीके का ऑफर करता है, ये कह रहा है कि जो यूजी प्रोग्राम है या तो 3 साल का होगा या 4 साल का। अभी कैसे चलता है, अभी सिर्फ और सिर्फ 3 साल का चल रहा है, कहीं कहीं चलता है इंटीग्रेटेड ऑनर्स, लेकिन इन जनरल जो प्लेन कोर्सेज हैं यूजी के वो 3 साल के ही हैं। तो ये कह रहा है कि 3 और 4 साल के हो सकते हैं विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस विद इन दिस पीरियड। बच्चा आ रहा है, एडमिशन ले रहा है, छोड़ रहा है, ये नहीं कि हम शौक में छोड़ रहे हैं इसलिए कि कोई ऐसी दिक्कत आ गई, कोई हमारी रुचि का नहीं है, हमको कोई और विषय चाहिए, या कोई भी इस तरीके के फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई हमारे संग कोई दुर्घटना हो जाती, कुछ इस तरीके की दिक्कत है ना। With multiple entry and exit options within this period with appropriate certifications, तो हम उसको जितना उसने कर लिया उसके हिसाब से certify करके छोड़ेंगे। For example, a certificate after completing 1 year in a discipline, देखिए 3 साल की पढ़ाई है BA हमारी, BSc, BCom, लेकिन अगर बच्चा एक ही साल पढ़ पाता है और वो छोड़ना पड़ता है उसको किसी कारण से, तो इन जनरल अभी तक क्या होता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, लेकिन अगर इस NEP 2020 लागू हो गया, मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन आपने अपना लिया, तो अगर हम एक साल की पढ़ाई के बाद छोड़ रहे हैं कोर्स अपना, तो हमको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट का कोर्स, फॉर एग्जाम्पल सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर, हमको सर्टिफिकेट की का क्रेडिट मिलेगा, सर्टिफिकेट अर्न कर पाएंगे हम, है ना। और फील्ड इंक्लूडिंग वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एरियाज में भी ऐसा होगा, अ डिप्लोमा आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ स्टडी, अगर हम 2 साल की पढ़ाई के बाद छोड़ रहे हैं तो हमको डिप्लोमा का क्रेडिट मिलेगा, डिप्लोमा के क्रेडिट को हम अर्न कर पाएंगे। एंड बैचलर डिग्री आफ्टर 3 ईयर, और 3 साल का कर लेते हैं तब तो बैचलर डिग्री हमको मिली जाएगी, यानी कि 1 और 2 साल का करने पर ऐसा नहीं होगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, 1 साल पे सर्टिफिकेट और 2 साल पे डिप्लोमा का हमको डिग्री मिलेगी। देन द 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम, ये तो 3 साल की कहानी हो गई, 1 साल पे छोड़ा तो सर्टिफिकेट, 2 साल पे छोड़ा तो डिप्लोमा, और 3 साल आप पूरा कर रहे हैं तो आपको बैचलर की डिग्री। लेकिन अगर हम 4 साल वाले में एडमिशन ले रहे हैं देन क्या होगा, the 4 year multidisciplinary bachelor's program, however, is the preferred option, कह रहे हैं कि ये बेहतर है, इसको आप opt कीजिए, why? Because it allows the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education, यानी कि इसमें हमको पूरा holistic, पूरा सारे आयामों को cover करता हुआ multidisciplinary विविध बहुविषयी हमको इस तरीके के अनुभव मिलेंगे। In addition to a focus on major and minor subjects as per the student's preference, बच्चे ने क्या preference में अपने चुना है, कौन से उसके major subject हैं, कौन से minor, इस तरीके से। और 4 ईयर प्रोग्राम का क्या लाभ है, 4 ईयर प्रोग्राम में ऑल्सो लीड टू ए डिग्री विद रिसर्च। अभी आज ही कल की न्यूज है कि 4 ईयर के यूजी कोर्स के बाद बच्चे PhD में एडमिशन ले सकते हैं। इफ दी स्टूडेंट कंप्लीट, ऐसे नहीं कोई भी, अगर उस बच्चे ने कंप्लीट किया है, क्या कंप्लीट किया है, रिगरस रिसर्च प्रोजेक्ट, अगर उसने कोई ऐसा रिगरस रिसर्च प्रोजेक्ट किया है अपने मेजर एरिया में एज स्पेसिफाइड बाई दी HEI,
तो वो पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। अब इसके और भी नियम कानून बनेंगे कि कैसे क्या होगा, लेकिन फिलहाल ये प्रपोज्ड है। देन मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आप 2 साल का मास्टर करेंगे। क्या कर सकते हैं इसमें, एक 2 ईयर प्रोग्राम 2 साल का आप तब करेंगे जब विद द सेकेंड ईयर डिवोटेड इंटायरली टू रिसर्च फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड द 3 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम। यानी कि अगर आप 3 साल का बीए का कोर्स करके आए हैं तो आप 2 साल का एमए में एडमिशन लेंगे, जिसमें कि जो दूसरा साल है एमए का या एमएससी का या एमकॉम का किसी का भी, वो डिवोटेड इंटायरली टू रिसर्च, वो इंटायरली रिसर्च पे डिवोट होगा। क्यों? क्योंकि आफ्टर में पीजी आपको क्या करना है, रिसर्च ही करनी है। इसलिए हमको जो सेकेंड ईयर है, सॉरी फर्स्ट ईयर में तो हमको विषय पढ़ाया जाएगा, बट सेकेंड ईयर में विशेष रूप से अनुसंधान के बारे में बताया जाएगा कैसे रिसर्च करनी है। लेकिन ये कौन लोग करेंगे, कौन बच्चे करेंगे, जो 3 ईयर का यूजी करके आए हैं वो 2 साल का पीजी करेंगे। लेकिन अ 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स हु आर कंप्लीटिंग अ 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम विद रिसर्च। और जो बच्चा ऑलरेडी 4 साल का बीए करके आया है, उसने रिसर्च वाला भी उसमें प्रोग्राम कर लिया है, तो वो सिर्फ 1 साल का मास्टर करेगा, है ना। यानी कि फ्लेक्सिबल है, जरूरी नहीं है कि सबको एक ही ढर्रे पर चलना है। कह रहे हैं ना, इंडिविजुअल डिफरेंस करिए, आप स्पेसिफिसिटी लाइए, यूनिकनेस, क्रिएटिविटी, तो ये सब तभी आएगा जब हम सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे। देन एक और ऑप्शन है, एन इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर्स मास्टर्स प्रोग्राम। यानी कि 5 साल का हम इंटीग्रेटेड भी कर सकते हैं बी ए एम ए साथ में मिला के। उसमें क्या होगा, विद एन ऑप्शन टू एग्जिट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। उसमें क्या होगा, आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा कि चाहे तो ठीक है, आपने इंटीग्रेटेड में एडमिशन ले लिया लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, 3 साल के बाद छोड़ दीजिए और बी ए की डिग्री लेके अलग हो जाइए। विद ए बैचलर्स डिग्री विद एन एंट्री टू ए मास्टर्स प्रोग्राम इन अनदर जीआई। यानी कि आपको बाध्य नहीं, 5 साल के लिए रोक नहीं लिया है हमने, आप 3 साल का बीए करके चले जाइए किसी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एमए में एडमिशन ले लीजिए। बात समझ में आ रही है ना। तो इतनी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी के ऑप्शंस ये प्रोवाइड कर रहा है एनईपी 2020। तो बहुत सारी नई बातें, मल्टीपल एंट्री एग्जिट नई बात है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट नई बात है, कब कब छोड़ेंगे उसके क्रेडिट मिलना, डिग्री का सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री अलग बात है, 3 साल 2 साल का 4 साल का बीए अलग बात है, 2 साल का एमए, सबका कॉम्बिनेशन देखिए, जो 3 साल बीए करके आया वो 2 साल का एमए करेगा, जो 4 साल का एमए बीए करके आया वो 1 साल का एमए करेगा, या 5 साल का एक साथ कर लीजिए। तो इतनी सारी बातें प्रपोज्ड हैं। ये बात दूसरी है कि इसको हम किस हद तक लागू कर पाते हैं, बिकॉज अभी जो एट प्रेजेंट कंडीशन है वो ये है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में शिक्षकों की कमी है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी कमी है, और इसके लिए हमको बहुत फैकल्टी चाहिए, तभी तो वो इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे सब्जेक्ट्स के, तो उसको कौन डील करेगा, कौन ये सब देखेगा कैसे, बहुत 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 ज़्यादा इसमें मैन पावर और टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, ऐसे नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि नई बात है, अच्छी बात है, नॉवेल बात है, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों का लाभ होगा। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट मैंने कवर किया है एनईपी 2020 का, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें से आपको क्लियर हो जाएंगी, और अभी कई और आई थिंक की वीडियोस बनाने होंगे, तब हमको एनईपी पूरा समझ में आएगा हायर एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में। इसके पहले मैंने एक बार इंक्लूसिव एजुकेशन पे बनाया था, और ये आज मेरा नेक्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट है एनईपी 2020 विद स्पेशल रेफरेंस टू हायर एजुकेशन। तो आई थिंक कि आपको इससे कुछ लाभ हुआ होगा। सो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एक्सप्लोर एजुकेशन टू गेट विद लर्निंग मटीरियल्स। यू कैन आस्क योर क्वेरी एंड यू कैन प्रोवाइड योर फीडबैक टू मी देयर। ओके, सो डन फ्रॉम माई साइड।